नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खनन पट्टा लीज का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर पहले जेएमएम और अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हेमंत सोरेन के बचाव में सामने आ रहे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने इस मामले को लेकर कहा, भाजपा राज्यपाल को टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन हमें विश्वास है कि राज्यपाल ऐसा नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई मामला नहीं बनता है, यह सब भाजपा का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ राज्य में गलत नैरेटिव सेट करना चाहती है, उसी के तहत वह ऐसा कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी गलत तरीके से महामहिम का इस्तेमाल टूल्स के रूप में करना चाहती है, लेकिन महामहिम जी वो नहीं होने देंगे, ये पूरा मुझे विश्वास है। यहाँ के राज्य की जनता को विश्वास है, कांग्रेस पार्टी की जनता को विश्वास है, क्योंकि जो तीन जो डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट के 1964, 2001, वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन ये संविधान की कॉपी ये कहता है कि कहीं भी माइंस ऑफ लीच का मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या मंत्री के लाभ का पद नहीं है। हम वो संविधान की प्रति लेके आए हैं जिसमें भारत का संविधान 192(2) में यह वर्णित है कि महामहिम को ये पूरा अधिकार है कि वो चुनाव आयोग से मंतव्य मांग सकते हैं, लेकिन किस बिंदु पर, ये 191 क ख ग घ अंग में परिभाषित है। उसमें ये कहा गया है कि आप इन बिंदुओं पर मांग सकते हैं, उसमें लीज ऑफ माइंस नहीं है और उसमें राज्यपाल को निर्देशन प्राप्त होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि महामहिम जी को निर्देशन कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्योंकि महामहिम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे बगल के आदमी हैं, पड़ोस के आदमी हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि संविधानिक पदों पर आसीन लोगों से जनसाधारण यह उम्मीद करती है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संविधान की गरिमा को पहली प्राथमिकता दी जाएगी और किसी राजनीतिक दल से झुकाव या लगाव से परे होकर काम होगा।